हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विनोद ब्रांड के इस इंटेलिजेंट कुकवेयर की रेंज में से इस फ्राई पैन का रियल रिव्यूज और करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। रिसेंटली ही मैंने इस फ्राई पैन को ऑर्डर किया था अमेजोन से और कुछ दिनों से मैं इसे यूज कर रही हूँ। कई सारी रेसिपीज मैंने इस फ्राई पैन में ट्राई किए हैं और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसी फ्राई पैन के रियल रिव्यूज। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और कोई भी नया वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो अमेजोन से परचेस करने के बाद बहुत ही बढ़िया पैकिंग के साथ मुझे ये फ्राई पैन मिला था और इस बॉक्स में हमें एक वारंटी कार्ड के साथ मिलता है ये बहुत ही बढ़िया मिरर फिनिशिंग वाला स्टेनलेस स्टील का ये फ्राई पैन। इस पैन को देखते ही इसका लुक बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है क्योंकि इसका आउटर लुक है मिरर फिनिशिंग और अंदर का जो लुक है वो भी काफ़ी बढ़िया है। इसके हैंडल की तरह ही जो बना है रिविटेड स्टाइल डिज़ाइन से, जो कैरी करने में बहुत ही आसान होता है। ये पैन काफ़ी हेवी है क्योंकि ये बना है 3 टाइप के लेयर से। इस 3 लेयर के कारण ही इस स्टेनलेस स्टील के इस पैन में बिल्कुल भी खाना चिपकता नहीं है, बिल्कुल भी जलता नहीं है। काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में बहुत ही जल्दी खाना बर्न हो जाता है, लेकिन ये जो पैन है ये बना है 3 लेयर से। तो इसकी पहली लेयर है स्टेनलेस स्टील की, सेंटर में है एल्यूमिनियम और सबसे लास्ट अगेन है स्टेनलेस स्टील की। और इस 3 लेयर के कारण ही इस पैन में बिल्कुल भी खाना चिपकता नहीं है। ये पैन गैस एंड इंडक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये फ्राई पैन बिल्कुल नया है तो सबसे पहले इसके स्टिकर्स को हम रिमूव कर लेते हैं। तो इसके लिए आप कुछ देर इसे गैस पे हल्का गरम कर ले। जब ये अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा तो ये जो स्टिकर है वो इजीली रिमूव भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये स्टिकर निकल गया है। तो इस वुडन स्पून से सबसे पहले इस स्टिकर को मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से जो साइड का भी स्टिकर है वो भी गर्म होते ही बहुत ही ईजीली निकल आता है। अब ये स्टिकर निकलने के बाद पैन के अंदर जो चिपचिपापन बचा है इसे साफ़ करने के लिए आप किसी भी सॉफ्ट स्क्रबर से इसे बहुत ही इजीली क्लीन कर सकते हो। खाना बनाते वक्त ये जो पैन है वो अंदर से तो काफ़ी गर्म हो जाता है लेकिन इसका जो हैंडल है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक सूखी सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ, ये काफ़ी गर्म है लेकिन इसका जो हैंडल है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो आप खाना बनाते वक्त इसको बहुत ही इजीली पकड़ भी सकते हो। तो यहाँ पे ये सूखी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है और अब आप देख सकते हैं इसकी बॉटम में ये बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, कहीं पे भी ये जली नहीं है, बॉटम भी नहीं, इसकी साइड्स पे भी ये बिल्कुल भी बर्न नहीं हुई है। तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो या इस तरीके से सूखी कोई भी सब्ज़ी, तो आप बहुत ही इजीली इस स्टेनलेस स्टील के बने हुए विनोद ब्रांड के फ्राई पैन में कोई भी सब्ज़ी बहुत ही इजीली बना सकते हो। सिर्फ सूखी सब्ज़ी ही नहीं, मैंने इसमें कई सारे उत्तपम, पराठा या फिर ये एक एग्जांपल है ऑमलेट का, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ईजीली ये ऑमलेट पलट भी गया है और इसका बॉटम भी बिल्कुल क्लियर है, ये फ्राई पैन पे बिल्कुल भी चिपका नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसे ट्राई करने के बाद मुझे तो ये पैन बहुत ही बढ़िया लगा। मेरी इस तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड पैन है। अगर आप कोई स्टेनलेस स्टील का पैन परचेस करना चाहते हो तो इस पैन को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें।